आज मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैं आपको EPL का रिव्यू देके जा रही हूँ, EPL का रिव्यू देके जा रही हूँ, तो आपने इसको नोट डाउन करना है। फर्स्ट पेटी आ जाता है, बेसिक एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। मैं रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पिछला जितना भी मैंने करवाया उसकी समझ आ सके। द मोस्ट सिंपल एक्शन लॉजिकल मोमेंट्स आर देयर। दे आर यूजली अ पार्ट ऑफ द लेटर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग अ जग, ग्लास, ट्रे, स्पून, कैरिंग अ ग्लास, होल्डिंग अ स्पून, टेकिंग ऑफ एन एप्रन फ्रॉम हुक। मेरे दिन आ जाता है एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस, द एक्शंस आर लिटिल एडवांस हो जाते हैं एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस में, बट स्टिल सिंपल इन नेचर एंड मोर लॉजिकल मोमेंट्स आर इन्वॉल्व। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बॉटल टॉप्स आ जाता है एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज में। देन सेकेंड आ जाता है फोल्डिंग रोलिंग ऑफ मैट्स। थर्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पैग्स। देन थ्रेडिंग बीड्स। पोरिंग वाटर आ जाता है, ड्राई सब्सटेंस आ जाते हैं वन कंटेनर टू द अनदर। सिक्स स्पूनिंग ड्राई सब्सटेंस इन डिफरेंट बाउल्स आ जाता है। ये मैं रिव्यू दे रही हूँ ताकि आपको कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स नेम्स पता चल सकें। स्पॉन्जिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज में। टर्निंग पेजेस ऑफ अ बुक आ जाता है। पहले मैंने आपको बेसिक बताया, फिर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज के बारे में रिव्यू दिया है, फिर हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। बेटे थोड़ा मुझे जल्दी है तो इसलिए मैं फास्ट बोल रही हूँ, लेकिन आप पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लें। देन बेटे हायर एलिमेंट्री एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। These exercises are the same work but little upgraded in the moments. Logic and patience. Concentration and patience are the characteristics of these activities. Transferring dry liquid and other substances from one container into the number of containers with the help of spoon. पोरिंग आ जाता है, ड्रॉपर आ जाता है, फनल एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। पर्सनल केयर एक्सरसाइजेज में बेटा आ जाता है, द फ्रेम्स आर मेड फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स वर्क। अदर एक्सरसाइजेज आर ब्रशिंग टीथ, कॉम्बिंग हेयर, पॉलिशिंग शूज। इसमें बेटा आ जाता है पर्सनल इंडिपेंडेंस आ जाता है, अवेयरनेस ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग आ जाता है। देन बेटा आ जाता है पॉइंट ग्रेस एंड कर्टिसी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस हेल्प द चाइल्ड टू गेन कर्टिसी एंड ग्रेस। ही इज मेड अवेयर ऑफ द मैनर्स, बिकम सोशल एंड रिस्पेक्ट द पीपल इन सोसाइटी। इसमें बेटे आ जाता है वेरियस एक्सरसाइजेस आर चूजन, इंक्रीज हिज टेंडेंसी। फर्स्ट आ जाता है पासिंग थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल। पासिंग पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ये सारा मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ ताकि आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मैं आपको करा सकूँ। ओके बेटा, ताकि आपको इनके नेम्स का पता हो, जो बच्चे हैं जो सरगोधा में हैं, मुल्तान में हैं, कराची में हैं, या किसी भी सिटी से हैं, जो विलेज से हैं, जिनको ये सारा कुछ समझाने वाला कोई नहीं है, और सरगोधा जैसे सिटी में मोंटेसरी का इतना नहीं बताया जाता, इधर एकेडमीज नहीं हैं जो हैं, वो पिंडी में हैं, लाहौर में हैं, छोटे सिटीज़ में, विलेज में नहीं है। मैं कहती हूँ वो माएँ हैं, मदर्स जो हैं, वो घर रह के इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके वन बाय वन बच्चों को ये चीज़ें घर में रह के करवाना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट बेटे आ जाता है स्टैंडिंग इन अ क्यू, यूज़ ऑफ थैंक यू, सॉरी, टेबल मैनर्स आ जाता है, वेटिंग गेस्ट आ सकता है, हाउ टू स्नीज एंड कफ। देयर आर एडवांस एक्सरसाइजेज ऑफ दिस ग्रुप। ओके, एडवांस एक्सरसाइजेज हैं ये। इससे बच्चा क्या सीखता है, रिस्पेक्ट, साइलेंस, ग्रेसफुल मोमेंट्स हैं ये। बैलेंस ऑफ बॉडी आ जाता है चाइल्ड में। स्पिरिचुअल सेंस आ जाता है,
सेंस ऑफ म्यूजिक आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है इसमें। जो गेम्स आ जाती हैं वो साइलेंस गेम्स आ जाती हैं, वॉकिंग ऑन द लाइन गेम है। देन बेटा केयर ऑफ एनवायरनमेंट है, जिस तरह मैं हिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी वो बहुत ही लंबी होती जाएगी। फिर इंडोर एनवायरनमेंट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, आउटडोर एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इंडोर की मैं थोड़े पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी जल्दी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर आ जाता है, फोल्डिंग नैपकिन आ जाता है, डस्टिंग अ टेबल चेयर ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास आ जाता है, स्वीपिंग ऑफ द फ्लोर आ जाता है, पॉलिशिंग मेटल ऑब्जेक्ट आ जाता है, वॉशिंग अ क्लॉथ आ जाता है, वॉशिंग अ कार आ जाता है, वॉशिंग अ टेबल। दिस ऑल एक्टिविटीज आर इपल एपीएल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। आउटडोर एक्सरसाइजेज आ जाता है, आउटडोर एक्सरसाइजेज में बेटे आ जाता है। इससे हम क्या क्या सीखते हैं वो डिटेल आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन मैं अपनी वीडियोस डालती रहूँगी। आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करना है, चेक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट आ जाता है वाटरिंग प्लांट, सेकंड आ जाता है पिकिंग बिट ऑफ पेपर ड्राई लीव्स फ्रॉम गार्डन, थर्ड अगर नहीं आपको समझ आ रहा मैं रिपीट कर देती हूँ। वाटरिंग प्लांट्स आ जाता है आउटडोर एक्सरसाइज, पिकिंग बिट ऑफ पेपर्स ड्राई लीव्स फ्रॉम गार्डन, थर्ड टेकिंग आउट वीड्स फ्रॉम प्लांट्स, कटिंग एंड अरेंजिंग फ्लावर्स, स्वीपिंग, ये सब एक्टिविटीज़ मैं आपको कराने वाली हूँ इंशाल्लाह। आपने रोज़ मेरी वीडियोस देखनी है, आना है, लाइक करना है। अगर कोई छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी कैम्प में जो है शूट कर रही होती हूँ, तो आप लोगों ने गलतियों को नहीं पकड़ना, आपने सीखना है और मुझसे प्यार करते रहना है। नेक्स्ट आपको जो सारे और पॉइंट्स हैं, इंटेंशनल प्रेजेंटेशंस, ग्रुप प्रेजेंटेशन, सारी प्रेजेंटेशंस मैं आपको करवाने वाली हूँ वन बाय वन। चलें बेटा अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।